पर दुख तो तब होता है बेटा जब हम बड़े हो जाते हैं, हम थोड़ा पढ़ लिख के उसी माँ को अपमानित करते हैं, उसी को समाज में आगे लाने से रोकते हैं, और हद तो तब पार हो जाती है बेटा जब हम अपनी जीवन बनाने के लिए, जब हम 20-25 साल में अपना जीवन साथी चुनने के लिए उस माँ को ही भूल के उनको वृद्धाश्रमों में भेज देते हैं। वही बेटा वही बेटी शादी से पहले अपने माँ बाप की दीर्घायु की कामना करता है, लेकिन वही शादी के बाद दूसरों के माँ बापों को अनाथालय में भेजता है। हो रहा है यहाँ उपस्थित माँ शारदा के इस पावन प्रांगण में सभी हमारे गुरुजन और यहाँ अतिथिगण और मेरी प्यारी बहनों, मैं आप सभी का बहुत, मैं खुद को बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली समझती हूँ कि आज हमारे यहाँ इतने अच्छे प्रवक्ता जो है, मतलब इन्होंने हमें बहुत अच्छी सीख दी, और हम सब लोग चाहेंगे कि इसको हम अपने दैनिक जीवन में अपनाएं। और क्योंकि हमारे जीवन में बहुत कम अवसर ऐसे मिलते हैं कि जब हमें ये सब का अनुभव होता है, या फिर बताने वाले बहुत कम होते हैं कि हम क्या सही है क्या गलत है करके, तो मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी क्योंकि सर की बातें ऐसी थी जिससे हमारे हृदय परिवर्तन हो जाएंगे, हृदय को छूने वाली बातें थी, इसलिए सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। थैंक यू मैम।